हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांश दुबे और आप देख रहे हैं पिनेकल कैन इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं वो टॉपिक है कंप्यूटर साइंस। और कंप्यूटर साइंस के भी आज हम बात करेंगे कठिन प्रश्नों की, यानी कि व्यापम कंप्यूटर का लेवल कहां से लेके कहां तक चेंज करता है। आई एम वेरी जेन्युइन अबाउट दिस फैक्ट कि व्यापम के जो कंप्यूटर का जो लेवल देने वाला है उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज किसी पेपर में कंप्यूटर का लेवल एक्सट्रीमली इजी आ जाता है और किसी पेपर में कंप्यूटर का लेवल एक्सट्रीमली हार्ड चला जाता है। लेकिन जब कंप्यूटर का लेवल एक्सट्रीमली हार्ड भी जाता है तो क्वेश्चन जो रहते हैं क्वेश्चन एकदम बेसिक से ही रहते हैं, लेकिन उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज हो जाती है उससे कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा अनअवेयर है। तो एक चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कंप्यूटर का आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज जरूर होना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू फेस एन एग्जाम जहां पे पहले कंप्यूटर के प्रैक्टिकली से रिलेटेड डिप्लोमा एलिजिबिलिटी रखी गई थी, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया था। तो हो सकता है कि जो आपको क्वेश्चन देखने मिले वो कंप्यूटर के प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम सेंस हो गया है तो ग्रेजुएशन लेवल पर पटवारी किस मतलब व्यापम ने किस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखे हैं उस पर हम नजर डाल लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस वॉज द एक्सट्रीम लेवल, यानी कि इससे कठिन व्यापम ने कभी नहीं पूछा कंप्यूटर साइंस। तो इन क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ये आपके व्यापम के ही क्वेश्चन है और समझते हैं कि इन क्वेश्चन में हमें किस टाइप से इनको डील करना था। इसके अलावा आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9039055453। और एसएससी का भी नोटिफिकेशन कल या परसों में आने वाला है, तो अगर एसएससी से रिलेटेड आपको एडमिशन लेना है तो पूरे होल एमपी में, और अगर पूरी की पूरी सेंट्रल इंडिया की बात करें तो पिनेकल से बेटर इंस्टीट्यूट आपके लिए नहीं मिलेगा। तो आप इनमें से किसी भी ब्रांचेस में कांटेक्ट करके आप एसएससी से रिलेटेड एडमिशन भी ले सकते हो। आइए बात करते हैं पटवारी की टेस्ट सीरीज की। पटवारी की टेस्ट सीरीज आ चुकी है और टेस्ट सीरीज को खरीदने के लिए सिर्फ आपको ₹250 का नॉमिनल अमाउंट पे करना है। और टेस्ट सीरीज को अगर आपको अवेल करना है तो आप www.pinnacle.edu.in पे की वेबसाइट पे जा सकते हो, pinnacle.edu.in, या फिर गूगल पे सर्च करिए पिनेकल केयर इंस्टीट्यूट तो पिनेकल की जो वेबसाइट खुल के आएगी उसमें आपको सबसे पहले टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसे जाके खरीद सकते हो। बात करते हैं आज से क्वेश्चन से, और क्वेश्चन ये व्यापम के ही पुराने क्वेश्चन से, देखते हैं क्या करना था इन क्वेश्चन में। इन एमएस वर्ड 2007 कंट्रोल प्लस जी से क्या चीज ओपन होती है। बात करेंगे कंट्रोल प्लस जी की और कंट्रोल प्लस जी से क्या खुलता है। देखिए आपने सिंपल सा पहले क्वेश्चन देखे होंगे, पहले आते थे कंट्रोल प्लस जेड के ऊपर क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस सी के ऊपर क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस वी के ऊपर क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली इजी होते थे। लेकिन अब बात हो रही है कंट्रोल प्लस जी की, तो कंट्रोल प्लस जी का यूज क्या होता है, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग गो टू टैब। Find and replace टैब का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने पूरे का पूरे डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें मैंने प्रियांश भट्ट को 10 बार यूज किया और मुझे पता चला बाद में कि यार ये प्रियांश की जगह राहुल था, तो फिर मैंने क्या करेंगे, प्रियांश भट्ट को हम सर्च करेंगे, फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पे जाएंगे फाइंड एंड रिप्लेस वाला ऑप्शन यूज करेंगे। तो जहां जहां मैंने प्रियांश यूज किया है वहां वहां रिप्लेस करके क्या कर देगा, राहुल कर देगा। तो यहाँ पे इस चीज के लिए फाइंड एंड रिप्लेस टैग का यूज किया जाता है। बात करते हैं अगली क्वेश्चन की कि एंड नोट और फुट नोट में अंतर क्या होता है। तो एंड नोट और फुट नोट में अंतर क्या होता है ये आपको बताना है। तो एंड नोट जो होता है, अगर एंड नोट की बात करें, सिंस इसके नाम में ही जुड़ा है एंड नोट, तो जब डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट एंड हो जाता है, तो लास्ट में लगाते हैं हम एंड नोट। और फुट नोट कहां लगाते हैं, जैसे एक डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पेजेस हैं, एक पेज हो गया, दो पेज हो गए, तीन पेज हो गए, तो हर डॉक्यूमेंट के हर पेज के बॉटम पे फुट नोट लगाया जाता है। यानी कि एंड नोट कहां लगाते हैं, एंड नोट लगाते हैं हम पेज के, यानी कि पेज के एंड पूरे डॉक्यूमेंट के एंड पे। एंड नोट्स आर द सीरीज ऑफ नोट्स प्लेस एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड फुट नोट इज अ सीरीज ऑफ नोट्स प्लेस एट द बॉटम ऑफ पेज, यानी कि पेज के बॉटम पे फुट नोट लगाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि कंप्यूटर जार्गन जो यूज होता है www, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो कंप्यूटर जो जार्गन का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन हमने नॉर्मल भाषा में इनको यूज करना चालू कर दिया। तो www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, और वॉर्म यानी कि एक टाइप का जो वायरस का एक वैरायटी होती है वॉर्म, तो वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म क्या होता है, www का शॉर्ट या फिर जार्गन इसका फुल फॉर्म होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, SDLC का फुल फॉर्म क्या होता है। SDLC के बारे में हमने कल वाले ही लेक्चर में बात करी थी कि SDLC क्या होता है। SDLC का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट के बाद आता है डिजाइन। डिजाइन हमने एक बार डिजाइन कर लिया सॉफ्टवेयर को, डिजाइन के बाद क्या होता है, डिजाइन के बाद होता है डिप्लॉय, यानी कि आपने उसको सर्वर साइड पे डिप्लॉय किया। डिप्लॉय के डिजाइन से पहले एक और चीज होती है टेस्टिंग।
तो टेस्टिंग और डिप्लॉय साथ साथ में हो जाते हैं। जब डिप्लॉय करते हो तो उसी टाइम पे टेस्टिंग भी कर ली जाती है कि जो आपने डिजाइन किया था वो सही प्रॉपरली वर्क कर रहा है, यानी कि चीजों के ऊपर प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। एक बार टेस्टिंग हो गई, टेस्टिंग के बाद फाइनली क्या होता है, टेस्टिंग हो गई, टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट हो गई, डिप्लॉयमेंट के बाद साथ में होता है मेंटेनेंस, यानी कि एक बार आपने डिप्लॉय कर दिया तो फाइनली उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए एक टीम की जरूरत पड़ेगी, तो वो काम करती है मेंटेनेंस का। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट गैदरेशन होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में पहला पार्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, एमएस डॉस, लिनक्स एंड यूनिक्स, व्हाट डज द कमांड वूमी में, वूमी एक्चुअल में इसका नाम वूमी नहीं होता है, ये होता है हु एम आई। हु एम आई अगर आप कमांड डालोगे तो कमांड हु एम आई कमांड से क्या होता है, तो जैसे ही आप हु एम आई कमांड एंटर करते हो, चाहे आप एमएस डॉस में एंटर करो, चाहे लिनक्स में एंटर करो, चाहे यूनिक्स में एंटर करो, तो हु एम आई का मतलब ये होता है कि वो बता देगा कि कौन सी यूजर आईडी अभी खुली हुई है, या कौन सी यूजर, या कौन कौन सी यूजर्स अभी लॉग्ड इन है, यानी कि कौन कौन सी यूजर्स अभी लॉग कंप्यूटर को लॉक करके रखे हैं, तो ये लॉग इन के नाम बता देता है कौन कौन सी आईडी खुली हुई है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगर HTML, यानी कि बेसिकली बात हो रही है HTML की, और HTML का यूज किस लिए किया जाता है, वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए, तो HTML में अगर आपने ब्लैक कलर यूज किया है तो HTML पेज के बैकग्राउंड के रूप में ब्लैक कलर को सेट करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो आपको एक चीज याद रखना है, ये कोड याद नहीं रखना है क्योंकि कोड के ऊपर, लेकिन सिंस व्यापम है, व्यापम की कोई गारंटी नहीं सकती, और इस कोड को भी पूछ लिया जाए कि ब्लैक का कोड क्या होता है, व्हाइट का कोड क्या होता है, रेड का कोड क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बेसिक सी चीज आपको याद रखना है HTML में कि अगर कभी भी हमें बैकग्राउंड कलर यूज करना है तो बैकग्राउंड कलर के लिए हम कौन सी चीज यूज करते हैं, वो भी बॉडी का बैकग्राउंड कलर सेट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, बॉडी बीजी कलर, और बीजी कलर यहाँ पे बीजी कलर सी ओ एल ओ आर वाला कलर होता है, और एक होता है सी ओ एल ओ यू आर वाला कलर, तो यहाँ पे सी ओ एल ओ आर वाला कलर यूज होता है क्योंकि ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में अलग। क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या पूछे जा रहे इस वाले, इन एमएस डॉस विच कमांड इज यूज टू सी द सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ द ड्राइव। सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप मान लीजिए सी ड्राइव में हो, डी ड्राइव में हो, और सी ड्राइव के अंदर भी मल्टीपल फोल्डर्स हैं, तो इसको पूरे का पूरा हम किस फॉर्मेट में देखने की कोशिश करते हैं, इसको हम पूरे का पूरा आपको एक ट्री के फॉर्मेट में देखने की कोशिश करते हैं। तो एमएस डॉस विच कमांड इज यूज टू सी द सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ द डिवाइस, तो ये फॉर्मेट कौन सा होता है, ये होता है ट्री फॉर्मेट, या फिर ट्री फॉर्मेट इसका नाम होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगर अगले क्वेश्चन को देखा जाए तो इन एमएस वर्ड व्हाट अलाउज यू टू लिंक द अदर पार्ट्स ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट कनेक्टिंग टेक्स्ट इन वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक और द बुकमार्क, यानी कि ऐसा क्या होता है, जैसे एमएस वर्ड में आपने कह दिया कि हमें एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाना है, तो आप मान लीजिए इस लिंक पे आए तो आपने देख लिया कि यहां से ये मत रीड करो, इसके अलावा दूसरी चीज रीड करो, तो इस चीज को क्या बोला जाता है, इस पूरी की पूरी चीज को बोला जाता है क्रॉस रेफरेंसिंग कर देना। क्रॉस रेफरेंसिंग कर देना, जैसे आप एक डॉक्यूमेंट लिख रहे थे, डॉक्यूमेंट पे एक लाइन पे आ गए, अब इस लाइन का जो आगे वाला पार्ट था वो चौथे नंबर के पेज पे आप पढ़ रहे थे, लेकिन ये था सातवें नंबर के पेज पे इसका आंसर, तो यहाँ पे अगर आपको चौथे से सातवें तक जाना है तो ये क्या होता है, क्रॉस रेफरेंसिंग बोलते हैं इस चीज को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रूटर फंक्शन, राउटर फंक्शन, तो राउटर का फंक्शन क्या होता है, राउटर का फंक्शन होता है पैकेट स्विचिंग। तो पूरा का पूरा जो मैसेज होता है या डाटा होता है, डाटा को हम पैकेट्स के फॉर्मेट में डिवाइड कर लेते हैं, और ये पैकेट्स एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, तो राउटर क्या डिसाइड करता है कि कौन सा पैकेट कौन से वाले सिस्टम के पास जाने वाला है, तो ये काम किसका रहता है, राउटर का। तो राउटर क्या करता है, पैकेट स्विचिंग का काम कौन करता है, राउटर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विद रेस्पेक्ट टू नेटवर्क इंटरफेस कार्ड द टर्म 10/100 रिफर्स टू, 10/100 का मतलब क्या होता है, 10/100 का मतलब होता है मेगा बाइट्स पर सेकंड 10/100 का मतलब होता है, यानी कि नेटवर्क की स्पीड कितनी आ रही है, कितने मेगाबिट पर सेकंड की स्पीड चल रही है, ये होता है 10/100 का मतलब। व्हाट डज द पैसिव कमांड प्रोवाइड टू द डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में पैसिव कमांड का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप कमांड में पैसिव कमांड दोगे तो पैसिव कमांड से क्या होता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो जैसे ही आप पैसिव कमांड पूरे के पूरे इसमें देते हो तो ये क्या करता है, स्टॉप्स एंड इंटरफेस, यानी कि जो इंटरफेस रहता है उसको स्टॉप कर देता है, और जो आप प्रेडिक्ट डायनेमिक अपडेट भेज रहे थे, यानी कि प्रेडिक्ट अपडेट का मतलब होता है कि जैसे ही टाइम टू टाइम आप प्रोटोकॉल के हिसाब से अपडेट भेज रहे थे, उनको स्टॉप्स एंड इंटरफेस फ्रॉम सेंडिंग पीरियोडिक डायनेमिक अपडेट्स, लेकिन जो अपडेट्स रिसीव करने हैं वो रिसीव करेगा, लेकिन जो अपडेट्स हम भेज रहे थे उसको मना कर देता है। तो पैसिव कमांड का मतलब क्या होता है, मना कर देना। तो जैसे ही आपने पैसिव कमांड दी तो ये क्या करेगा कि उन अपडेट्स को मना कर देगा कि अभी आगे वाली अपडेट्स नहीं जाएंगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है,
कि HTML is used to create, HTML किस चीज को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, तो HTML को किस चीज के लिए क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, बैक पेज को क्रिएट करने के लिए HTML का यूज करते हैं। HTML का बेसिकली जो पर्पस है वो होता है डिजाइनिंग वाला, यानी कि आपने कुछ डिजाइन डाल दी, कुछ लेआउट डाल दिया, कुछ कलर दिया डाल दिया जो फ्रंट एंड पे दिखाई दे रहा है, यानी कि सामने वाले यूजर को दिखाई दे रहा है, तो ये होता है HTML का काम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, MS PowerPoint जो टेम्पलेट आप यूज करते हो, MS PowerPoint की बात नहीं कर रहा हूं, PowerPoint की जो पीपीटी बनती है वो तो .pptx के नाम से सेव हो जाती है, लेकिन जो इसकी टेम्पलेट बनती है वो किस नाम से सेव होती है, बात यानी होती है टेम्पलेट, यानी कि आप प्री डिजाइन कुछ पर्टिकुलर बना लेना, जैसे आप पावर पॉइंट कभी चलाओगे तो उसमें प्री डिजाइन टेम्पलेट दी रहती है कि ये बेसिक डिजाइन है, इसमें आप चेंजेस करके आगे कर सकते हो, तो इसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, इसका जो एक्सटेंशन होता है .pptx, MS PowerPoint की टेम्पलेट का एक्सटेंशन होता है। In MS Excel 2007, to hold row and column titles in place so that they do not scroll when you scroll a worksheet, यानी कि जो उसमें रोज और कॉलम हैं, उनको आप स्टैटिक मोड पे आपको कर देना है कि ये जैसे जैसे इसमें क्या होता है, बहुत लंबी सी शीट होती है, जैसे जैसे आप आगे स्क्रॉल कर रहे हो तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये आगे ना खिसके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रीज पैन्स कर देते हैं, यानी कि अगर फ्रीज पैन आपने कर दिया तो जितना आपने आपकी पूरी वर्कशीट का एरिया को फ्रीज किया है तो ये आगे मूव ही नहीं करेगा, आप कितना भी स्क्रॉल करते रहो, तो ये स्टैटिक मोड पे आ जाता है लेकिन आपकी वर्कशीट आगे बढ़ती रहती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन में देखा जाए तो मेमोरी बफर रजिस्टर क्या होता है, तो जब मैंने आपको रजिस्टर्स पढ़ाए थे उस टाइम भी ये भी पढ़ाया था कि मेमोरी बफर रजिस्टर क्या होता है, मेमोरी बफर रजिस्टर क्या होता है कि आगे आने वाले किस किस मेमोरी एड्रेस की आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो कंटेन्स अ कॉपी ऑफ डेजिग्नेटेड मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय MAR आफ्टर अ रीड ऑफ न्यू कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी प्रायर टू राइट, यानी कि किसी चीज को लिखने से पहले उस चीज का एड्रेस कलेक्ट करके रख लेता है मेमोरी बफर रजिस्टर एडवांस्ड में। बात करते हैं अगली चीज की, अगर अगले टॉपिक की बात करें तो विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड डेस्टिनेशन नेटवर्क अननोन मैसेज बैक टू द ओरिजिनेटिंग होस्ट, यानी कि किस प्रोटोकॉल का उपयोग डेस्टिनेशन नेटवर्क अज्ञात संदेश को वापस मूल होस्ट के पास प्रेषित करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि अगर आप एक कोई मैसेज भेज रहे हो और मान लीजिए वो किसी को मैसेज मिल ही नहीं पाया तो उसे वापस होस्ट तक कौन भेजेगा, एंड होस्ट यानी होता है जिस लोकेशन से मैसेज भेजा गया है, तो इस चीज के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, इस चीज के लिए यूज करते हैं हम इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, यानी कि होता है ICMP, ICMP का फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिए, आ सकता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इसका यूज क्या किया जाता है, यानी कि जो होस्ट तक चीज नहीं पहुंच, मान लीजिए डेस्टिनेशन तक कोई चीज नहीं पहुंच पाई तो वापस होस्ट तक आ जाती है, होस्ट यानी कि जहां से चीज भेजी गई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यू वांट टू फाइंड आउट विच यूजर्स आर करेंटली यूजिंग अ स्पेसिफिक डायरेक्टरी ऑन अ विंडो एंटी सर्वर कंप्यूटर, हाउ विल यू डू दिस, तो अगर हमें पता है कि किसी सर्वर एंड पे बहुत सारे लोग किसी कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो हम ऐसे कैसे पता लगाएंगे कि कौन कौन से यूजर्स उस चीज को यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम सिंपल से एक चीज करेंगे कि हम सर्वर मैनेजर के पास जाएंगे और सर्वर मैनेजर के जो सर्वर मैनेजर वाला प्रोग्राम रहता है उस पर हम देखेंगे कि कौन कौन से सिस्टम या कौन कौन से यूजर अभी लॉग्ड इन है, तो यहां से पता चल जाएगा कि कौन कौन से यूजर कौन कौन सी डायरेक्टरी को विजिट कर रहे हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस अ मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किस लिए किया जाता है, तो इट इज अ सिस्टम मेनली एम्प्लॉयड इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन रिक्वायरिंग हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा प्रोसेसिंग का मतलब है कि आपके पास मल्टीपल टेराबाइट्स में डाटा है, बहुत ज्यादा डाटा है, उस पूरे के पूरे डाटा को प्रोसेस करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो इसमें क्या यूज किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज एन ईमेल सर्वर, ईमेल सर्वर क्या होता है, तो ईमेल सर्वर क्या होता है, बेसिकली जैसे आप पोस्ट ऑफिस में एक जगह से दूसरी जगह तक डाक भेजते हो, ऐसे ईमेल सर्वर में एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल भेजा जाता है, तो इट इज इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस फॉर ईमेल, तो ईमेल सर्वर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच फीचर शुड बी यूज टू मॉनिटर चेंजेस टू MS वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर MS वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको चेंजेस को मॉनिटर करना है तो कौन से फीचर को यूज करोगे, तो यहाँ पे जिस चीज को यूज किया जाता है उसका नाम होता है ट्रैक चेंजेस, यानी कि आप चेंजेस का रिकॉर्ड रखने वाले हो कि यहाँ पे कौन कौन से चेंजेस हुए या कौन कौन से परिवर्तन हुए, तो इस कमांड को या इस फीचर को क्या बोला जाता है, ट्रैक चेंजेस। हाइपरलिंक क्या होती है, हाइपरलिंक इनमें से क्या क्या हो सकती है, देखिए हाइपरलिंक का मतलब होता है कि इस लिंक पे आप क्लिक कर रहे हो तो कोई दूसरी साइट खुल के आएगी, तो ये चीज होती है हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक किस किस टाइप से बनाई जा सकती है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में बनाई जा सकती है, ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मेट में बनाई जा सकती है, पिक्चर्स के फॉर्मेट में बनाई जा सकती है, यानी कि सभी के सभी फॉर्मेट में हाइपरलिंक बनाई जा सकती है।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप्स इज प्रोग्राम ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि जब मैं आपको इंटरनल आउटपुट डिवाइस पढ़ा रहा था, इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ा रहा था, तो वहां पर मैंने मेमोरी डिवाइस में पढ़ाया था एक डिवाइस जिसका नाम होता है रोम, और रोम के जो होता है उसमें बायोस सेटअप पहले से प्री लोडेड आता है, तो इसे क्या कब कॉन्फ़िगर किया जाता है, जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही होती है उसी टाइम पर रोम को कॉन्फ़िगर भी किया जाता है। What command do you use to create Linux file system? अगर Linux में file system को create करना है तो हम क्या command use करेंगे? Make file system। इसलिए इसका short form हो जाता है MKFS। तो MKFS का full form क्या होता है? Make file system। बात करते हैं अगले question की, What does the doc type declaration defines in HTML? तो HTML की अगर हम बात करें तो HTML में doc type का मतलब क्या होता है? डॉक टाइप का मतलब होता है डॉक्यूमेंट का टाइप, किस टाइप का डॉक्यूमेंट है ये हम कहां से डिफाइन कर देते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप या फिर डॉक टाइप वाली आप इसके एक्सटेंशन से डिफाइन कर सकते हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएंट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इनमें से कौन सा एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वेरिएंट नहीं है, तो इस चीज का आंसर निकालना तो बहुत ही ईजी हो गया, जैसे एमएस डॉस है, मैक ओएस है, लिनक्स है और जो बीएसडी है, तो इन सब में आपको ठीक है आपको नहीं भी पता ये चीज तो भी आप आराम से बता सकते हो, बिकॉज एमएस डॉस सबसे पहले आया और एमएस डॉस के कई सालों बाद यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया, तो ये चीज तो हम आराम से बता ही सकते हैं कि एमएस डॉस जो होगा वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वेरिएंट हो ही नहीं सकता, जबकि मैक ओएक्स, लिनक्स और बीएसडी ये तीनों के तीनों यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के वेरिएंट है। कंट्रोल प्लस एजअप कमांड, कंट्रोल प्लस पेजअप कमांड का यूज किस लिए किया जाता है, तो इससे क्या होता है कि एक पूरे के पूरे पेज को आपको कर्सर को एक पेज तक ऊपर पहुंचाना है तो कंट्रोल प्लस पेजअप कमांड का आप यूज करते हो। आर रिसीविंग होस्ट हैज फेल्ड टू रिसीव ऑल द सेगमेंट दैट इट शुड एक्नॉलेज, व्हाट कैन द होस्ट डू टू इंप्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ दिस कम्युनिकेशन सेशन। तो क्या होता है, जैसे देखिए एक होता है होस्ट और एक होता है रिसीवर, तो होस्ट डाटा को भेजता है और रिसीवर डाटा को रिसीव करता है, तो अब होस्ट क्या करेगा अगर उसको पता चल रहा है कि रिसीवर पूरी इंफॉर्मेशन रिसीव कर ही नहीं पा रहा है, तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन क्या होती है, पैकेट्स के फॉर्मेट में डिवाइड होकर जाती है और एक पूरी की पूरी विंडोज के फॉर्मेट में डिवाइड होकर जाती है, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, विंडो साइज छोटी करना पड़ेगी। विंडो साइज का छोटी करने का मतलब है कि एक बार में जितनी इंफॉर्मेशन जा रही है वो कम इंफॉर्मेशन जाएगी, तो अगर आप विंडो साइज को छोटी कर दोगे तो जो रिसीवर है वो ऑटोमेटिक सी बात है इंफॉर्मेशन को ज्यादा जल्दी ज्यादा बेटर वे में रिसीव कर पाएगा। इन एमएस एक्सेल 2007 टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन एरिया इन अ वर्कशीट एंड अप्लाई इट टू अनदर एरिया, व्हाट वुड यू यूज, अगर हमें एक जगह में जो आपने फॉर्मेटिंग करी उसको कॉपी करना है दूसरे एरिया तक, तो इसे कहां पे क्या कौन सी कमांड यूज करते हैं, फॉर्मेट पैंटर कमांड को यूज करते हैं। व्हाट कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले ऑल द फाइल्स हैविंग दैट डॉट ईएक्सटी एक्सटेंशन बट डिफरेंट फाइल नेम, तो सिंस ऑल फाइल्स की बात हो रही है तो कभी भी ऑल फाइल्स की बात हो जाए तो एक चीज तो यहां पे जरूर आएगी डॉट स्टार, स्टार का मतलब होता है ऑल, कभी भी किसी भी फाइल एक्सटेंशन सिस्टम में बात कर लेना, और सिंस बात हो रही डायरेक्टरी तो डायरेक्टरी स्टार डॉट एक्सटेंशन, तो यहां से सारी की सारी फाइल्स हम वो यूज कर सकते हैं जिनका मल्टी डिफरेंट फाइल नेम है। तो इसी के साथ आज ये लेक्चर हमारा एंड होता है, इसमें आपको एटलीस्ट एक आइडिया लग गया होगा कि कंप्यूटर का लेवल कहां से कहां तक जा सकता है। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। इसके अलावा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा ये कंप्यूटर का 10वां लेक्चर था और इस कंप्यूटर का 9वां लेक्चर था, तो इस पूरे के पूरे लेक्चर सीरीज में हम अल्टीमेटली सारी चीजों को कवर करने वाले हैं और मेनली सारी चीजों को कवर कर चुके हैं, तो अगर प्रीवियस लेक्चर्स भी नहीं देखे तो उन्हें भी देख लीजिए।